और चलिए अब देशहित में आपको एक अहम रिपोर्ट दिखाते हैं। विपक्ष ने जब से अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा है, ये नाम खूब चर्चा में है। लोगों के लिए भी INDIA गठबंधन के फुल फॉर्म को याद रखना आसान नहीं है। हमने सोचा क्यों ना INDIA गठबंधन में शामिल नेताओं से ही पूछा जाए कि आपको फुल फॉर्म याद है या नहीं। समझाने की इसमें बात ही क्या है? जवाब दे दिया ना मैंने कि मुझे पता है। टीम इंडिया मतलब भारत। इंडिया इज इंडिया। चलिए चलिए निकलिए। बंधन की बात करिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं। निकलिए। ये सभी नेता INDIA यानी इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। विपक्षी दलों के बने इस गठबंधन का नाम इन दिनों राजनीति के गलियारों से लेकर देश भर में चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? चलिए विपक्ष के नेताओं से ही इसकी जानकारी आपको दिलवाते हैं। ये है समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद HT हसन। आप लोग कैसे समझाएंगे जनता को जो विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम है कि ये क्या है? देखिए, हिंदुस्तान और इंडिया से सब प्यार करते हैं। वक्त की ज़रूरत थी कि इंडिया और इत्तेफाक से नाम इंडिया बन गया, तो समझाने की इसमें बात ही क्या है? सर, इंडिया के फुल फॉर्म के साथ समझा दीजिए। देखिए, आप मेरा इम्तहान तो नहीं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हसन साहब फुल फॉर्म बताने की बात पर कुछ नाराज से दिख रहे हैं। इसी सवाल का जवाब लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से जानते हैं। क्या आपको पता? मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मेहरबानी करके जरा पहले वो BJP का फुल फॉर्म बताएं तो मैं बताऊं। आपको पता है सर इंडिया का फुल फॉर्म? अरे जवाब दे दिया ना मैंने कि मुझे पता है। खैर, सवाल के जवाब में सवाल पूछा गया और इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म हमें नहीं पता चल सका। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने BJP पर निशाना साधा, लेकिन इंडिया गठबंधन के फुल फॉर्म जनता को बताने के बजाय भड़क गए। अच्छा सर, क्या आपको इंडिया का फुल फॉर्म पता है जो गठबंधन बना है? आप बच्चा समझते हैं? नहीं, मैं उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है, समझ गया? पार्लियामेंट में आप आते हैं। यहाँ भी कांग्रेस नेता बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। अब आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता हरभजन सिंह ने भी इस सीधे से सवाल का जवाब बड़ी मासूमियत के साथ दिया। आप भी देखिए, पक्ष का जो गठबंधन बनाया उसका नाम टीम इंडिया रखा गया, क्या पूरे इंडिया के नाम बता पाएंगे कि नाम क्या रखा? इंडिया के नाम आपके सामने हुआ है, देखिए, और टीम इंडिया मतलब भारत, भारत के लिए वो देखिए वो टीम इंडिया बन रही है। खैर, हरभजन सिंह सवाल का जवाब हंसते हुए टाल गए और इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म यहां भी नहीं पता चल सका। लेफ्ट पार्टी के नेता ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ BJP पर निशाना साधा। क्या इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म बता पाए? आप खुद देखिए। लेफ्ट नेता ने इंडिया गठबंधन के फुल फॉर्म बताने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने तो BJP से ही इंडिया गठबंधन का मतलब जानने की सलाह दे डाली। लोगों को पता है हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की घोषणा की थी। With all 26 parties
a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. इंडिया नाम को लेकर विपक्ष में एक मत इतनी आसानी से नहीं बना है। माना जा रहा है कि कुछ विपक्षी दलों को लगता था कि INDIA इंडिया में NDA भी है। हो सकता है चुनाव के दौरान NDA कहीं INDIA का इस्तेमाल इस तरह से ना कर ले कि इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ जाए। उम्मीद की जा सकती है कि मुंबई में बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के घटक दल इंडिया के फुल फॉर्म जरूर रट लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।